नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर, साथ ही साथ आपकी अपनी सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस प्यारे से शो की। आज मैं सिर्फ सिनोनिम्स पर बात करूंगा, बढ़िया बढ़िया सिनोनिम्स आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। अवर फर्स्ट सिनोनिम विल बी, आपका सबसे फर्स्ट सिनोनिम रहेगा एंग्विश। क्या वर्ड है दोस्तों? एंग्विश। और एंग्विश का सीधा सा मीनिंग होता है यानी कोई भी पीड़ा, कोई भी परेशानी, उसी को आप क्या बोलते हैं? एंग्विश जो आप डियर बोल देते हैं। अब जब बात आपके सामने परेशानी की आ गई तो आप क्या बोलेंगे? पेन बोलेंगे दोस्त। क्या बोलेंगे आप? पेन बोलेंगे। रेस्ट्रेन यानी किसी चीज को सीमित करना, जिसको आप कई बार एब्स्ट्रेन के साथ लेकर के आते हैं। एब्स्ट्रेन यानी मेरे भैया सीमित, परहेज करना। और अगर मैं इसी से बोलूं सस्टेन, तो सस्टेन भी आप सभी को क्लियर है यानी कि टू कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखना, ठीक है ना, ध्यान रखना। सस्टेनेबल यानी बेटा कंटिन्यूअस। गेन यानी कि प्रॉफिट, और ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। और ऑब्टेन के लिए ध्यान रखना, ऑब्टेन हो या फिर अटेन हो या फिर प्रोक्यूर हो, ठीक है, दोनों का मीनिंग, तीनों का मीनिंग क्या होता है भाई? प्राप्त करना। तीनों का मीनिंग क्या होता है दोस्त? प्राप्त करना। अटेन, ऑब्टेन और प्रोक्यूर, तीनों का मीनिंग क्या होता है दोस्त? प्राप्त करना होता है, ठीक है। रेस्ट्रेन यानी सीमित करना, सीमित करने के अलावा अगर मैं एब्स्ट्रेन की बात करूं तो परहेज करना, और सस्टेन की बात करूं तो कंटिन्यू करना। अवर नेक्स्ट वर्ड इज फैस्किनेट। क्या वर्ड है मेरे भैया? फैस्किनेट। फैस्किनेट का सीधा सा मीनिंग होता है लुभाना। आज की मैंने एमटीएस वाली क्लास में ये आपको वर्ड पढ़ाया था। क्या होता है मेरे भैया? लुभाना यानी किसी को आकर्षित करना। और यदि बेटा आप किसी को लुभा रहे हो तो आप उसी को क्या बोलते हैं? डिकॉय। क्या बोलते हैं दोस्त? डिकॉय। या फिर आप इसी को बोल सकते हैं दोस्तों एल्यूर। क्या बोल सकते हैं दोस्त? आप एल्यूर बोल सकते हैं। तो एल्यूर हो गया आपका, फैस्किनेट हो गया, डिकॉय हो गया, इन सभी का मतलब क्या होता है? किसी को लुभाना, अपनी तरफ लेकर के आना, दैट इज बेटा कैप्टिवेट करना, ठीक है। अनोए तंग करना होता है, यातना देना होता है किसी को। इमोडेस्टी, क्या वर्ड आ गया आपके सामने? इमोडेस्टी यानी कि जब बेटा मोडेस्ट ना हो, आप बिल्कुल भी विनम्र ना हो, और आप क्या कर रहे हैं? इमोडेस्टी कर रहे हैं यानी कि बेशर्मी, एक तरीके से बेशर्मी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति निर्लज्जता पर उतर है, दैट इज मेरे भाई क्या आपका? इमोडेस्टी। और भाई बोतर, बोदर यानी बेटा परेशान, जैसे बोलते हैं ना डोंट बोदर मी, यानी कि परेशान मत करो मुझे, ठीक है ना। तो बोदर यानी डियर सीधा सीधा आपका क्या होता है भैया? परेशान होता है। आगे आपने बात करी सेवेयर, द वर्ड इज दोस्तों सेवेयर, और सेवेयर का सीधा सा मीनिंग होता है गंभीर। सेवेयर का मतलब क्या होता है बेटा जी? गंभीर। क्या होता है भैया? गंभीर, गंभीर यानी कि सख्त, ठीक है। सेवेयर सिंपली मीन्स दैट गंभीर, और गंभीर यानी कि दोस्तों सख्त। और जो चीज बेटा सख्त है उसको आप क्या बोलेंगे दोस्त? आप बोलेंगे ग्रेव, क्योंकि लेनियंट बेटा दयालु होता है, उदार होता है, काइंड दयालु होता ही होता है। और ग्ली, ग्ली का मतलब होता है बेटा खुश। ग्ली का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुश होता है। जैसे ग्लीफुल आपको मैंने पढ़ा रखा है दोस्त, क्या पढ़ा रखे? ग्लीफुल। ग्लीफुल यानी खुश होना होता है, जिसको आप हिलेरिटी, मिर्थ, जोयस, जोयफुल, चीरफुल, ये सारे वर्ड लिख करके जिसके लिए आ जाते हैं। तो सेवेयर यानी बेटा गंभीर, गंभीर है यानी कि दोस्त क्या है? ग्रेव है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चला भैया जुबिलियंट। अभी आपको पढ़ा रहा था, जुबिलियंट हो गया आपका, ग्लीफुल हो गया, हिलेरिटी हो गया आपका, मिर्थ हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड याद रखो। या फिर आपका जॉन्टी हो जाए, जे ए यू एन टी वाई, जॉन्टी, जॉन्टी यानी कि बहुत ज्यादा खुश होना। तो आपका जो यहां पर इसका सिनोनिम बनेगा, दैट इज ओवरजॉयड। जब कोई व्यक्ति भयंकर लेवल पर भाई खुश हो रखा हो, ठीक है। स्टंटेड बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टंटेड वर्ड का सीधा सा मीनिंग होता है बेटा जो अवरुद्ध है, जो एक तरीके से कमजोर है, आप उसी को बोलते हैं बेटा स्टंटेड यानी कि कमजोर। बेटा गले में थोड़ा दर्द है इसलिए आराम से बोल रहा हूं, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और जर्नीड यानी यात्रा आप कर रहे हो, और टेरिफाइड यानी बेटा डरावना, भयानक, ठीक है। या फिर एक तरीके से भीगी बिल्ली भी टेरिफाइड बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वर्ड बढ़ रहे हैं बेटा लेविश। लेविश यानी कि जो आप एक तरीके से किसी चीज पर बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर रहे हो, बहुत ज्यादा शानदार है, जो आलिशान, उसे बोलते हैं बेटा लेविश यानी कि लग्जरियस। सिंपली मीन्स दैट बेटा जी लग्जरियस। यूनिक नहीं हो सकता, स्टाइलिश नहीं हो सकता, और मीगर, मीगर यानी कि बेटा अल्प, जो बहुत कम होता है ना उसको आप बोलते हैं बेटा मीगर। तो लेविश यानी कि बेटा फिजूल खर्ची, जो बहुत ज्यादा विलासिता से भरा हुआ हो, जो बहुत ज्यादा आलिशान हो, उसी को आप बोलते हैं बेटा क्या? लेविश। आगे बात कर ले रहे, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी पार्च्ड। क्या वर्ड है आपके सामने? पार्च्ड। और जब जब आपके सामने बेटा पार्च्ड वर्ड की बात आएगी तो जीवन भर याद रखना, दैट इज बेटा सूखा। क्या होता है बेटा? सूखा। और सूखे के लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या था आपका? एरिड, या फिर सिंपली आप बोलते हैं बेटा ड्राई।
क्या बोलते हैं बेटा, ड्राई, और जब सूखा है तो बेटा उसको आपने एरिड बोला, ठीक है भैया। रस्टिक बेटा असभ्य होता है, आज पढ़ाया था क्लास में एमटीएस वाली में, रस्टिक यानी बेटा असभ्य, असभ्य है तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, कर्ट बोल सकते हैं, अगर वो देहाती है तो आप उसी को फिलिस्तीन बोल सकते हैं, फिलिस्तीन, आप उसी को बारबेरियन बोल सकते हैं बेटा, बारबेरियन, आप उसी को अनसोफेस्टिकेटेड बोल सकते हैं, अनसोफेस्टिकेटेड, आप इसी को बेटा अनसिविलाइज्ड बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, ठीक है ना। ये सभी वर्ड्स आपको बढ़िया से ध्यान रखने होंगे, ठीक है जी, ओनली आपको ध्यान रखना होगा। और लश, लश का सिंपली मीनिंग होता है बेटा जी रसीला, जो चीज बड़ी बढ़िया है ना खाने पीने में, दैट इज सो कॉल्ड बेटा लश, ठीक है जी। तो लश क्या हो गया लाडली, सीधा सीधा सा रसीला, क्या हो गया बेटा जी रसीला, दैट इज लश। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, तो पार्च्ड यानी बेटा जी कोई भी चीज जो सूखी उसे बोलते हैं पार्च्ड। नेक्स्ट कॉन्वेंशनल, क्या कह रहे हैं बेटा कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल क्या होता है जो परंपरागत होता है उसे आप बोलते हैं बेटा कॉन्वेंशनल, यानी कि अपना क्या होगा कस्टमरी, क्या हो जाएगा आपका कस्टमरी। कॉन्टेम्परेरी बेटा जी समकालीन होता है, अनयूजुअल आप समझ सकते हो, और एबनॉर्मल यानी कि असाधारण। नेक्स्ट पोइज, क्या वर्ड आपके सामने पोइज, और पोइज वर्ड थोड़ा सा हटके है, यानी कि बेटा जब आप चीजों का संतुलन कर रहे हैं, और संतुलन करने को आप क्या बोलेंगे इक्वेनिमिटी, क्या बेटा इक्वेनिमिटी यानी कि संतुलन, पोइज यानी कि दोस्त संतुलन हो गया, ठीक है। एक्साइटमेंट उत्तेजना होती है, कंफ्यूजन भ्रम होता है, और फ्रेंज यानी उन्माद होता है, पागलपन जो होता है आपके अंदर, कई बार जब आप ईमानदारी से पढ़ करके देखो 3 से 4 घंटे जम के पढ़ लो, पढ़ने के बाद जो आपको मजा आएगा बोलोगे वाह यार आज तो मजा आ गया, तो वो जो आपके मजे वाला मोमेंट होता है उसे आप बोलते हैं फ्रेंजी, क्या बोलते हैं डियर फ्रेंजी। नेक्स्ट स्लेकन यानी किसी चीज को भैया कमजोर करना, सुस्त करना, हल्का करना, और हल्का करने को आप उसे डिक्रीज बोलेंगे डियर, ठीक है। इरिटेट तंग करना, इरिटेट को आप बेटा वेक्स बोल सकते हैं, अनोय बोल सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई इंक्रीज आप समझ रहे हैं चीजों का बढ़ना हो गया दोस्त, डिक्रीज इसका अपोजिट हो क्योंकि भाई कम कर रहे हैं, और टाइटन आप समझते हैं चीजों को टाइट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज यानी बेटा जी अथाह, प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है दोस्त अथाह, जो बहुत सारी चीजें आपके पास हो, यानी कि दोस्त क्या हो आपके पास अबंडेंट हो। भाई फ्रूगल आपको याद आ रहा होगा फ्री की गल, और जो फ्री की गल करता है हमेशा उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं लाडली कंजूस बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्री की गल कर रहा है यानी कि वो व्यक्ति क्या है बेटा कंजूस है, और कंजूस कह लो या फिर उसे किफायती कह लो जो कम खर्चा करता है उसी को आप बोलते हैं बेटा फ्रूगल। तो फ्रीगल फ्रूगल यानी कि कंजूस, जिसको आप बोलते हैं थ्रिफ्टी, आप इसी को बोलते हैं पार्सिमोनियस, आप इसी को बोलते हैं बेटा इकोनॉमिकल, आप इसी को और क्या बोल सकते हैं दोस्त, इसी को आप जो है एक तरीके से पेनी वाइज बोल सकते हैं। स्केंट क्या वर्ड है मेरे भाई आपके सामने स्केंट, और स्केंट का मतलब होता है जो चीज बहुत कम होती है, इसे तो आपका स्कार्सिटी या फिर स्केंटी वर्ड निकल करके आता है, तो स्केंट का सीधा सा मीनिंग क्या होगा दोस्त अल्प हो जाएगा। और डिम्यूनिटिव, डिम्यूनिटिव यानी जो बेटा बहुत चीजें कम होती है उन्हीं को आप बोलते हैं लाडली क्या डिम्यूनिटिव, क्या बोलते हैं लाडली डिम्यूनिटिव। नेक्स्ट एसेंट, एसेंट यानी बेटा किसी चीज को लेकर के आपकी स्वीकृति, और स्वीकृति है यानी बेटा क्या हो गया आपका एग्रीमेंट हो गया। भाई एसेंट आपको पढ़ाया था ना स्वीकृति, एसेंट सिंपली मींस दैट बेटा स्वीकृति, लेकिन अगर मैं यहीं पर बोल देता एसेंट ये आपकी हो जाती बेटा प्रोनंसिएशन, क्या हो जाती दोस्त आपकी प्रोनंसिएशन हो जाती। अगर मैं यहीं पर बोल देता एस्केंड यानी बेटा बढ़ना, राइज, इंक्रीज हो जाता यहां पर, ठीक है ना। जैसे यहीं से तो आपका वर्ड निकलता है असेंडिंग ऑर्डर, यहीं से तो आपका वर्ड निकलता है बेटा असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इंक्रीज यानी बेटा बढ़ना, क्लैश यानी बेटा कोई विवाद, और डिस्कॉर्ड यानी कि बेटा जी फसाद, झगड़ा, जो डिस्कॉर्ड होता है उसको आप बोलते हैं बेटा, कोई भी डिस्प्यूट जो होता है फसाद जो होता है उसी को आप बोलते हैं बेटा डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है रेजोनेट, द वर्ड इज मेरे दोस्तों रेजोनेट, और रेजोनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी जो चीज आपसे मिलती जुलती है दैट इज संबंधित जो होती है उसको आप रेजोनेट बोलते हैं, ठीक है भैया। रेजोनेट यानी बेटा संबंधित, और जो आपसे मिलता जुलता है वो आपकी इको रहेगी सबसे बढ़िया, फील्ड नहीं हो सकता आपका, सराउंड नहीं हो सकता, और आपका डैम्पड भी नहीं होगा, क्योंकि डैम्पड का मतलब होता है बेटा गीला हो जाना, पूरा पूरा तर बतर होने को बोलते हैं आप डैम्पड, क्या बोलते हैं बेटा डैम्पड। चलिए आगे बात करते हैं भैया ओरडेन, क्या वर्ड है आपके सामने, सिंपल सा एक वर्ड मैंने लिया ओरडेन, और ओरडेन शब्द को आप जीवन भर याद रखिएगा, अच्छा शब्द है भैया, यानी कि जब आप बेटा किसी को ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर से ही आपका निकलता है ओरडेन, जब आप किसी को ऑर्डर देते हो तो ऑर्डर से आपका क्या निकलता है भाई, आपका निकलता है बेटा ओरडेन, क्या निकलेगा भैया आपका निकलेगा सीधा सीधा ऑर्डेन, ठीक है। जब आपने ऑर्डर दिया यानी बेटा आपने क्या किया डिक्री, डिक्री भी क्या होता है एक तरीके के बेटा ऑर्डर होते हैं, ठीक है। कंसील छिपाना होता है जिसको आप हाइड बोल देते हैं,
रिट्रैक्ट नहीं हो सकता आपका, और हिंडर बेटा बाधा होती है, हिंडर सिंपली मींस दैट दोस बाधा यानी कि ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। आगे बढ़ रहे बेटा इमर्ज, इमर्ज यानी उदय होना, प्रकट होना, और प्रकट होने को आप बोलते हैं बेटा अराइज। इलोप यानी बेटा फरार हो जाना, फरार हो जाना यानी कि प्रेमी के साथ भाग जाना, उसे इलोप बोलते हैं, और अगर कोई नॉर्मली भाग गया तो बेटा उसे बोलते हैं फ्ली। फ्ली का मीनिंग क्या होता है, रन अवे, क्या होता है मेरे प्यारे बेटा, रन अवे, और इसी को आप बोलते हैं बेटा एब्सकॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सकॉन्ड यानी कि फरार हो जाना, क्या मेरे भैया, फरार हो जाना। तो फ्ली यानी बेटा फरार हो जाना, एब्सकॉन्ड यानी फरार हो जाना, दोनों का मीनिंग क्या, रन अवे। अब गलती से बेटा अगर आपने फ्ली अवे कर दिया तो लाडली क्या हो जाएगा, बात गलत हो जाएगी, क्योंकि फ्ली का मीनिंग रन अवे हो गया। ये तो वही वाली बात कर दी आपने कि डेस्पाइट ऑफ कर रहे हो आप, तो बेटा गलत बात है ना, आप अवेट फॉर कर रहे हो। तो ये सभी जो फॉर्मेशन से सुपरफ्लस एक्सप्रेशन की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। और फ्ली की सेकंड फॉर्म मत भूल जाना, फ्लीड। क्या होता है फ्ली की सेकंड फॉर्म, फ्लीड होती है, ठीक है भैया। अटैक आप समझ रहे हैं, अरेस्ट आप समझ सकते हैं, और अराइज यानी बेटा उगना। नेक्स्ट बिल्लिकोज, बिल्लिकोज यानी कि बहुत ज्यादा लड़ाकू, और जो लड़ाकू होता है उसे बिल्लिकोज बोलते हैं, और लड़ाकू को आप क्या बोलेंगे, अग्रेसिव, ठीक है। लॉन्ग नहीं होगा आपका, काम नहीं होगा, बेटा इंप्रेसिव तो बिल्कुल भी आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलो कोई दिक्कत आपको नहीं आई, आगे बढ़ रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस यानी बेटा आप पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यानी कि बेटा आप पर लिमिटेशंस देखने को आपको मिल रही हैं। प्रपोजल कोई ऑफर हो गया, और अलाउंस यानी बेटा आपके लिए कोई चीज को लेकर के भत्ता हो गया। आगे बढ़ता हूं बेटा, रेलिंक्विश्ड, क्या बेटा रेलिंक्विश्ड, रेलिंक्विश्ड यानी त्यागना, और जो चीज आपने त्याग दी दैट इज बेटा आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो रेलिंक्विश्ड है बेटा, पास्ट है, तो आपने यहां पर सरेंडर ले लिया। पाउंड, क्या वर्ड आ रहा है बेटा, पाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आपने पास में, पाउंड, पी ए डब्ल्यू एन ई डी, पाउंड, पाउंड का मतलब होता है बेटा किसी को बंधक बना लेना भैया, पाउंड यानी लाडले बंधक बनाना, ठीक है भैया। पाउंड क्या होता है लाडले, बंधक बनाना। और ट्रेडेड यानी व्यापार वाली बात आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और रिटेन, क्या वर्ड है बेटा, रिटेन, रिटेन करना यानी कि बेटा चीजों को जारी रखना, रिटेन हो गया, सस्टेन हो गया यानी जारी रखना, यानी बेटा बनाए रखना। रिटेन क्या होता है, सीधा सीधा दोस्त बनाए रखना होता है। नेक्स्ट आपके सामने आ गया विजिलेंट, इसे तो कभी गलत ना करें आप में से कोई बच्चा, बेटा विजिलेंट यानी बेटा अलर्ट है, एक्टिव है, अवेयर है, अटेंटिव है, कोशियस है, वेरी है, हीडेड है, गार्डेड है, वॉचफुल है, ये सारे वर्ड्स आपको पढ़ा रखे हैं, तो आंसर विल बी अवर वॉचफुल यानी कि सावधान, क्या बेटा सावधान। और एक मैंने परसों की क्लास में आपको एक नया वर्ड दिया था, क्या बेटा माइंडफुल, माइंडफुल व्यक्ति को बोलते हैं जो व्यक्ति होता है सावधान। और आसान शब्द आपके पास में क्या बेटा, वेरी है, जो मैंने अपनी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी वाली बुक में भी आपको कवर किया हुआ है भाई। स्लैक सुस्त होता है, इक्वेबल जो सब समान है, और सबड्यूड, सबड्यूड यानी जो बेटा किसी के अधीन हो गया है, जो बेटा बिल्कुल एक तरीके से मातम फैल गया, तो बेटा उसे सबड्यूड बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है दोस्तों, क्या बेटा डिसडेन, क्या बेटा डिसडेन यानी कि किसी का एक तरीके से तिरस्कार करना, किसी की अवज्ञा करना, दैट्स डिसडेन। तो आपका आंसर क्या है बेटा, कॉन्टेम्प्ट यानी कि तिरस्कार किया। एवरस, एवराइस यानी बेटा ईर्ष्या, जिसको आप सिंपली भाषा में बोलते हैं जलन, क्या बोलते हैं मेरे भाई, जलन, ठीक है ना, जो द्वेष होता है उसे ईर्ष्या बोलते हैं। रेवरेंस, रेवरेंस सिंपल शब्द है यानी बेटा किसी चीज को लेकर के आपके मन में जो प्रेम है, श्रद्धा है, उसी को आप बोलते हैं बेटा रेवरेंस। और बेनिवोलेंस यानी बेटा दान करता, यानी कि जो उदार व्यक्ति होता है उसी के जो अवस्था है, जो उसका मन है, उसे बेनिवोलेंस बोलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं बेनिवोलेंट। इसका अपोजिट होता है बेटा मेलिवोलेंट, यानी कि जो बेकार व्यक्ति होता है उसे मेलिवोलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट विंडिक्टिव यानी बेटा प्रतिशोधी, जो बदला लेगा, दैट इज बेटा मेलिसियस, ठीक है। कन्विंसिंग, जो कन्वेंस हो जा रहा है, इंसल्टिंग आप समझ रहे हो। और एम्बरेसिंग यानी कि बेटा जो आपको शर्मसार कर दे रहा है। अभी जो बेटा टाइम हो रखा है, इसके ठीक लगभग आधे घंटे बाद 9:45 पर आज आप सभी के लिए क्लोज टेस्ट की जो सारी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए मैं बेटा आपके लिए एक क्लास लेकर के आ रहा हूं। देखो समय अपने पास कम है भैया, मैं भी जानता हूं, मैं भी थक जाता हूं। अब आप देख लो ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बाद फिर आपके लिए 9:45 पर आ रहा हूं बेटा बराबर पीपीटी बना करके। लेकिन यार कुछ कर गुजरने के बाद ही सफलता मिलती है, घर बैठे बैठे अपने आप थाली में सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो हिम्मत मत हारना, पढ़ने के लिए आ जाना, ठीक है। और रात को 12 से पहले सो मत जाना बेटा, जब तक पेपर ना हो जाए, जब तक सफल ना हो जाओ, नींद चैन की त्यागनी है ना। तो मैं अपनी तरफ से तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाओ, ठीक है। इसके साथ जो बच्चा समाधान बैच में ना जुड़ा हो बेटा जुड़ जाइएगा, बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर इसकी प्राइस 399 में एक तरीके से कल बोलता हूं तो,
ठीक है भैया, जो बच्चा अपनी इंग्लिश को शानदार करना चाहता है मात्र 249 में जुड़ने का आज आपके पास में और अच्छा ऑप्शन है भाई, आप जुड़ जाइएगा बेटा। ठीक है, बुक्स पर भी भाई सेल चल रही है अच्छी खासी, 22% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ये बुक बेटा जिस किसी ने ना मंगाई हो आप ऑर्डर कर दो, और हो सके तो तीनों बुक का जो कॉम्बो उसे ऑर्डर कर दो, एक ही बारी में टेंशन खत्म हो जाएगी। और ऑर्डर करते समय कूपन कोड क्या है, Y795S। ठीक है, बुक्स पर जो सेल चल रही है उसका लाभ लेने के लिए कूपन कोड Y795S। और बेटा जो ये बैच है आपका इसके लिए क्या कूपन कोड है आपका Y795। ठीक है भैया, मिलता हूं आपसे 9:45 पर क्लोज टेस्ट वाले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, खूब मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अब की बार हमें सफल होने से कोई रोक ही ना सके। बाय दोस्तों।